से आगे अब जा लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा मशहूर इतना क्यों कम वक्त से भी खूबसूरत है तू कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हम जाएंगे तो खुद से ही हम जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हर दम अब बांटते हैं ये गम भी गे नैना तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर रहूंगी बस वही उम्र भर है जितने सुनावानी तेनु हसता वेख के जदनु मैं भूल जावानी दस्ते गिरता कल तेनु समझावानी हो तू शर्दे ओनु जो है तेरे ना लग रे क्यों कर दिया मैं मुझे जता नहीं इन्ना सवाल कर दी इन्ना बस एक मिनट का टाइम से प्यार हुआ और शुरू करेंगे पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ
इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। इवनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। किसी ने पूछा था कि क्या पीरियड में वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या एरोबिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उसकी वजह से आपको कोई परेशानी होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यदि आप हैबिट डाल लेते हो कि पीरियड के टाइम पे भी आप वर्कआउट करो तो ये आपको बहुत फ्रेशनेस देगा और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS से आपको मुक्ति भी मिलेगी। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसे आप हल्का दर्द, उसमें भी आराम मिलेगा। और हल्का हल्का व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें। अगर योगा में कर रहे हैं तो एब्डोमिनल को होल्ड ना करके रखें लेकिन बाकी स्ट्रेचिंग करें। इवनिंग जुम्बा एरोबिक्स बिल्कुल कर सकते हो। ये गलत फहमी है कि उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है या परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, जो लड़कियां या स्विमर होती हैं और जो ओलंपिक में खेलते हैं या प्लेयर है या जो क्रिकेट इंटरनेशनल खेलती हैं, उनके लिए पीरियड कोई मायने नहीं रखते और उसकी वजह से उन्हें कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस में कोई रुकावट भी नहीं आती है। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल खेलती हैं वे स्विमर सैनिटरी पैड की बजाय टेम्पून यूज करके वो स्विमिंग करती हैं। यदि वो इंटरनेशनल खेल रही हैं तो उनके लिए एक दिन भी रेस्ट करना मुश्किल है। हर रोज कई घंटों की खेल की प्रैक्टिस और व्यायाम उनको करना पड़ता है। जो बड़े विंबलडन प्लेयर हैं उन्होंने तो प्रेगनेंसी के दौरान भी 7 मंथ तक लोगों ने विंबलडन खेला है और मैच को जीता भी है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और मैंने भी आज तक पीरियड की वजह से मैंने एक भी दिन वर्कआउट नहीं किया हो ऐसा आज तक नहीं हुआ। या पीरियड की वजह से मैंने अपनी जो भी मैं क्लास लेती थी उसको कभी मिस किया हो ऐसा आज तक इतने सालों में नहीं हुआ। पीरियड के दौरान चाहे हैवी रहे हो, चाहे कम रहे हो, जैसा भी, या पहला दिन रहा हो, दूसरा दिन रहा हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रहा है। अपने शरीर को आप जैसा हैबिट डालेंगे वैसा आपका शरीर आपका साथ देगा। तो पीरियड में आप आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का इवनिंग वर्कआउट, सिंपल वर्कआउट और ज्यादा फैट लॉस। इसमें जंपिंग नहीं है, जर्किंग नहीं है, नी पेन, बैक पेन वाले कर सकते हैं। कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होगा क्योंकि हम मैक्सिमम रेंज हाथों की यूज करेंगे। छोटे छोटे स्टेप ना लें, हाथों को पूरा खोलें। सबसे बड़ी मसल को हम यूज करेंगे पैरों की और हाथों की। और सबसे पहले वार्म अप, सिंपल मार्च करेंगे वार्म अप के लिए। हाथ और पैरों को मूव करेंगे। ड्रम बीट के साथ अपने पैरों को मूव करें। और अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो हड़बड़ाएं नहीं, जैसा किसी जगह जो है नेटवर्क का कनेक्शन हो जाता है। बारिश की वजह से मौसम खराब होने की वजह से हो सकता है नेटवर्क में कभी कभी प्रॉब्लम आए। थोड़ा सा धीरे बर्बाद करेंगे। सबसे पहले एल्बो को सबसे पहले क्योंकि हाथों को हमें बहुत यूज करना है, हाथ और पैरों को। हमने पहले एल्बो को किया, शोल्डर अप एंड डाउन। Thank you.
Hand up and down. Hand up and down. Both hands together. Hand up and down, both hands together, up and down, 90 number 8. Full force ke saath. And hands turned and back. Aage aur piche. Shoulder, chest, aapke breath aur aapke back ki muscle ke liye. Upper body ka bahut sahi workout. सिंपल वर्कआउट लेकिन ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाला. अब थोड़ा सा चेंज करेंगे. सिंपल मार्च. अब हाथों को आगे क्लोर और नी अप नी अप नी अप नी अप. टम्मी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड. अब इसके अगला वाला स्टेप. हैंड अप एंड डाउन एंड हाई नी. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. रिपीट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. And march. Simple march. Simple march. Up. Four steps. V banana hai hame pairon se. Simple V. Music ke saath. Rhythm mein. अब इसके साथ हाथों को भी यूज कर रहा है. फुल बॉडी एंगेज. हाथ और पैर मैक्सिमम रेंज के साथ आपको बर्न करने के लिए. एंड मार्च. सिंपल मार्च. अब थ्री स्टेप आगे एंड थ्री स्टेप बैक. वन टू एंड थ्री. अब बैक. सिंपल थ्री स्टेप. अब इसके साथ ही दोनों हाथों को आपका राइट हैंड फिर आपका लेफ्ट हैंड ऑल्टरनेट हैंड लेग के साथ. अब बोथ हैंड फ्रंट एंड बैक.
आगे और पीछे, एंड लास्ट वन, एंड मार्च, सिंपल मार्च, सिंपल मार्च। अब इसके अगला वाला फिफ्थ स्टेप, हील अप, हील अप, हील अप, हील अप। ये जिनको नी पेन है वो भी आराम से कर सकते हैं, बैक पेन, नी पेन आराम से कीजिए। अब इसमें फुल बॉडी, हाथों को आगे और पीछे, मैक्सिमम रेंज एंड फोर्स के साथ फुल करना है अपने हाथों को। पीछे हाथ ले जाते हुए चेस्ट ओपन एंड शोल्डर बैक। बहुत कैलोरी बर्न कराता है ये वाला स्टेप खासकर। फील कीजिए इसमें, बॉडी का एंगेजमेंट और हार्ट बीट को बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। अब थोड़ा सा हाथ को नीचे और साइड में, एंड सिंपल मार्च, सिंपल मार्च, सिंपल मार्च। क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया, उसको थोड़ा सा सेटल करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए। अब टू स्टेप साइड बाय साइड, आपका राइट एंड टू स्टेप, फिर आपका लेफ्ट, सिंपल स्टेप, टू स्टेप, वन एंड टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। अब हाथों के साथ फुल बॉडी को एंगेज करना है, हार्ट बीट को बढ़ता हुआ महसूस करें, एंड साइड बाय साइड, राइट फ्रंट एंड साइड, मार्च, सिंपल मार्च, सिंपल मार्च। अब ले पाई फोर्थ स्टेप वाला, इसके बाद म्यूजिकल नॉन स्टॉप शुरू होगा। ग्रेफाइन, फ्रंट, बैक, क्रॉस, साइड एंड टैप, फ्रंट, क्रॉस, साइड एंड टैप, फ्रंट, क्रॉस, साइड एंड टैप, सिंपल आर्म, non-stop mix by DJ D. Wagner. Reverse.
हार मुक जाना, सीखो कहानी बस बदले जमाना। Non-stop mix by DJ D-Bagga. Non-stop mix by DJ D-Bagga.
सिंपल मार्च। Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에 순간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 사나해, 낮에는 너만큼 따사로운 그 사나해. 커피 식기도 전에 원샷해. 사나해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 사나해. Gangnam Style. Gangnam Style.
सिंपल है बहुत करेंगे Non-stop mix by DJ D. Wagner. Non-stop mix by DJ D. Wagner. Non-stop mix by DJ D. Wagner.
सिंपल हाथ कहो मैं क्या कहूँ
साथिया साथिया मादम मादम तेरी गेली असी नीलम दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहां जादू है नशा सिए दिल ने चलते रहे चाहत कह दिए मेरे साथ हो तू जो पास हो फिर क्या ये जा हो जाऊं स्टेप आपका राइट एंड टू स्टेप लेफ्ट जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो
एक जन्नत सा था ये जहां बात की रेत पे आज मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया हमारी अधूरी कहानी नैना जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम रहूंगी बस वही उम्र भर रहूंगी बस वही उम्र भर जितनी हंसी मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं और खुशियों में मैं भी बाहों में है तेरी सोचा था मैंने मन में कई
हमारी क्लास में बंद होने का नाम नहीं ले रहा। एंजॉय कीजिए, पेट भर के खाना खाइए। पेट भर के मतलब फूल ना जाए, इतना नहीं खाना है, कंफर्टेबल खाना है। आपकी फेवरेट चीजें खानी है, मीठा छोड़ के, मीठा नहीं और रात को चावल नहीं, बाकी रोटी सब्जी दाल और सलाद या कुछ और। सब्जी में मटर पनीर, पालक पनीर, किसी भी तरीके की सब्जी आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, लेकिन चावल आपको रात को नहीं खाना है, दिन में खाना है। और शुभ रात्रि, अच्छी गहरी नींद सोएं, मन रिलैक्स करें। एरोबिक्स के साथ, म्यूजिक के साथ मन बहुत खुश हो जाता है, आपका हार्ट बीट ड्रम बीट के साथ सिंक्रोनाइज होके मन को बहुत खुशी मिलती है। जब आपकी पैरों के रिदम, आपके पैरों के स्टेप, ड्रम बीट एंड हार्ट बीट, जब ये तीनों एक साथ अलाइन हो जाते हैं और आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से थकान नहीं होती है, स्टेमिना बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना बहुत आता है, कैलरी बहुत बर्न होती है, लेकिन वर्कआउट के 10 मिनट बाद आप देखेंगे आप बहुत फ्रेश हो गए और मन बहुत खुश हो गया। तो इसी खुशी को बरकरार रखते हुए कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग क्लास में। एंड गुड नाइट एंड लव यू ऑल।